Hello student, a very good morning to all, and you are also fine. Student, today's chapter name is Idgah, class 4, class 5th. Student, आज हम इसी चैप्टर के जो हमारे ईदगाह चैप्टर है हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे. आप चैप्टर ये अच्छे से रीड कर चुके हैं कि कहानी एक हामिद और उसकी मित्र और उसकी दादी, हामिद की दादी अमीना की कहानी थी कि कैसे वो मेले में जाता है और अपनी दादी के लिए जो सबसे ज़रूरत का सामान यानी कि उसके लिए जो खाना बनाते हुए जो उनके हाथ जलते थे तो उनके लिए खरीद के लेके आया वो एक चिमटा, और जिसमें कि उसके दोस्त अपने लिए अन्य दूसरी चीज़ें खरीदते हैं जैसे कि मेले में खिलौने खरीदते हैं, झूले का मज़ा लेते हैं और वो मिठाइयों का मज़ा लेते हैं. लेकिन उस बच्चे का मन यानी कि हामिद बच्चे का मन बिल्कुल भी विचलित नहीं होता उनको देखकर. तो बच्चों हम ये कहानी रीड कर चुके हैं और आप इसमें बच्चों को के अपने दादी के प्रति प्रेम दिखाया गया है. ठीक है बच्चों, तो आप भी अपने आसपास अपने घर में मौजूद दादा दादी का ध्यान रखिए. ठीक है, तो आज हम करेंगे इसी पाठ के प्रश्न उत्तर. आपको बोल बोल कर साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में इसको राइट करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर. तो बच्चों हम करेंगे अपने प्रश्न उत्तर ये. ठीक है, फिर बोल रहे. तो बच्चों ये है हमारा ईदगाह पाठ. ईदगाह हम इसको रीड कर चुके हैं. आज हम इसके करेंगे ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है. ठीक है, ये इसका लेखक कौन है ईदगाह का? मुंशी प्रेमचंद, और उसका असली नाम था धनपत राय. क्या नाम था? धनपत राय. मैं उसकी पिक्चर दिखा देती हूँ. ये मुंशी प्रेमचंद जो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हुए हैं. ठीक है, ये मैं आपको पहले ये लिखवा चुकी हूँ. नए शब्द आज हम करेंगे जो ये प्रश्न उत्तर है सभी के. ये प्रश्न ना हम इनको इनके उत्तर लिखेंगे. ये भी हम कर चुके हैं और ये पहले वाले में कर चुके हैं. तो बच्चों पहला प्रश्न है, कहानी में किस त्योहार का वर्णन किया गया है? ठीक है, आपको पाठ पाँच ईदगाह कहानी में किस त्यौहार का वर्णन किया गया है. स्टोरी आपने अच्छे से पढ़ी है. कहानी में रमज़ान के पूरे 30 रोजों के बाद आने वाले ईद के त्यौहार का वर्णन किया गया है. किसके? ईद के त्यौहार का वर्णन किया गया है. ठीक है, साफ साफ राइट करना, बोल बोल कर राइट करना आपको. सेकंड क्वेश्चन हमारा प्रश्न, लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे? कहाँ पर जाने की तैयारी? लोग ईद के मेले के लिए शहर के ईदगाह में जाने की तैयारी कर रहे थे. नहीं, फिर दोबारा बोल देती हूँ. लोग ईद के मेले के लिए शहर में मस्जिद वगैरह होगी तो उसके आसपास में मेला लगा है, तो लोग ईद के मेले के लिए शहर के ईदगाह में जाने की तैयारी कर रहे थे. ठीक है, हमारा तीसरा प्रश्न है, अमीना अपनी कोठरी में बैठी क्यों रो रही थी? अमीना यानी कि हामिद की दादी अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी ना, क्यों? अमीना का बेटा आबिद, हामिद के पिता क्या नाम था? आबिद, और वो अमीना का बेटा लगा ना आबिद, तो अमीना का बेटा आबिद और बहू मर चुके हैं. अमीना के घर में कोई कमाने वाला नहीं है और आज यानी कि ईद वाले दिन उसके घर में अन्न का दाना तक नहीं है. ठीक है, और उसको हामिद को देने के लिए ज़्यादा पैसे भी नहीं लिए, इसलिए अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी. ठीक है, मैं इसको दोबारा फिर बोल देती हूँ. अमीना का बेटा आबिद और बहू मर चुके हैं,
अमीना के घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है और आज यानी कि ईद वाले दिन उसके घर में अन्न का दाना तक नहीं है। इसलिए अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। अपने दोस्तों को खिलौना खरीदते देख हामिद ने अपने दिल को क्या समझाया? जब उसके दोस्त है, आपने कहानी पढ़ी है ना, तो देखते हैं उसने क्या समझाया था। हामिद ने झूले के लिए अपने आप को समझाया, मतलब उसके दोस्त झूले झूल रहे थे तो उसने अपने आप को क्या समझाया, समझाया कि अपने पैसों का एक तिहाई जरा से चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता, यानी एक चक्कर ही तो लगाना होगा, उसके लिए मैं एक पैसा नहीं दे सकता। ठीक है, जरा सा चक्कर लग रहा था इसलिए उसने उसने आपको समझाया। हामिद ने झूले के लिए अपने आप को समझाया कि अपने पैसों का एक तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकते। ये तो झूले के लिए समझाया था, और खिलौने के लिए क्या समझाया, खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, या जरा सा पानी पड़े तो रंग उड़ जाए और थोड़ी देर की खुशी होती है। ठीक है बच्चों, उसने यहाँ भी अपना मन समझाया और मिठाई के लिए भी समझाया था कि इससे तो मुँह खराब होता है, दांतों में कीड़े पड़ते हैं। ठीक है, इसको मैं एक बरोर पढ़ा बोल देती हूँ। हामिद ने झूले के लिए अपने आप को समझाया कि अपने पैसों का एक तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता, खिलौने कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, या जरा सा पानी पड़े तो रंग धुल जाए, थोड़ी देर की खुशी होती। तो यह कहकर हामिद ने अपने आप को समझाया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिमटे की कीमत सुनकर, प्रश्न 5, चिमटे की कीमत सुनकर हामिद का दिल क्यों बैठ गया, क्यों बैठ गया? उत्तर है, चिमटे की कीमत 6 पैसे सुनकर हामिद का दिल बैठ गया, क्योंकि उसके पास तो केवल 3 पैसे थे। ठीक है, चिमटे की कीमत 6 पैसे सुनकर हामिद का दिल बैठ गया, क्योंकि उसके पास तो केवल 3 पैसे थे। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहे हैं? ठीक है, आज हमने अपने ये प्रश्न इतने कर लिए हैं। बाकी बचे प्रश्न उत्तर हम कल करेंगे, ये बाकी बचे इसको हम कल करेंगे। ठीक है, और जितने भी हमने किए आपको ये साथ साथ सुंदर सुंदर राइट करना और इनको लर्न करना। तो स्टूडेंट, आज हमने ईदगाह पाठ के प्रश्न उत्तर किए हैं, आप इनको साफ साफ सुंदर सुंदर राइट करें और लर्न करें। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।